देखिए, आज माननीय उच्चतम न्यायालय के स्तर से फैसला आना है अयोध्या मामले में। मैं जनपद गाजीपुर की समस्त जनता से आग्रह करूंगा कि इस निर्णय को एक समाधान के दृष्टि से देखें। इस निर्णय को इस तरह से देखें कि ये निर्णय हमारे देश की समृद्धि के लिए, हमारे देश की भाईचारा के लिए, हमारे देश की एकता और अखंडता के निमित्त ये आदेश आ रहा है। इससे किसी भी तरह की संतुष्टि और असंतुष्टि का भाव लोगों में नहीं होना चाहिए। ये एक निर्णय है जिससे देश मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा। सभी लोग पूरी सहजता से इसका स्वागत करें और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। आगामी जो आज निर्णय आने वाला है उसकी कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पूरे जनपद को 34 जोन और 67 सेक्टर्स में बांटा गया है, जहाँ पर जोनल मजिस्ट्रेट, जोनल पुलिस अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस अधिकारी, उनके साथ हमारा ही बल लगाया गया है। जनपद के 15 थाने ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहाँ ये व्यवस्था लागू है। शेष थानों पर भी मजिस्ट्रेट और स्थानीय पुलिस बल जो भी संवेदनशील स्थान हैं वहाँ पर ड्यूटी में लग चुके हैं और हम एक कड़ा रुख अपनाएंगे। पूरे एंटीरॉयड गियर के साथ हमारी उपस्थिति होगी और हम पहले से ही जनपद प्रशासन और पुलिस द्वारा एक माहौल बनाया गया है पूरे जनपद में। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे वार्ता करने के बाद उनसे आश्वासन लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आता है वो सहजता के साथ स्वीकार किया जाएगा। इसके बावजूद अगर कोई किसी भी प्रकार की खुरापात करता है, समस्या पैदा करने का प्रयास करता है, तो बहुत सख्ती के साथ निपटा जाएगा। पब्लिक प्लेस पर अगर कोई भी इस तरह की बात होती है तो उनके विरुद्ध NSA लगाया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी थाना, सभी संवेदनशील क्षेत्रों पर हमारी जो क्राउड कंट्रोल और एंटी रॉयड स्कीम्स होती हैं वो भी लागू कर दी गई हैं, उसके सारे इक्विपमेंट्स डिप्लॉय कर दिए गए हैं। हमारे जो भी ऑफिस का स्टाफ है, जो बचत का स्टाफ है, उसको रिजर्व में रखा गया है। पूरे जनपद में 8 QRTs बनाई गई हैं, PAC उपलब्ध, PAC को तैनात किया गया है और एक सुपर जोनल व्यवस्था भी लागू की गई है जिसमें ATM, CDO, SPRA, SPCT और अन्य अधिकारी लगातार भ्रमणशील रहते हुए शांति व्यवस्था कायम रखेंगे। एक क्लस्टर जोन के तहत मोबाइल पार्टीज लगाई गई हैं जिसमें जो स्थानीय इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज जिन्हें जोनल ड्यूटी से मुक्त रखा गया है वो लोग लगातार भ्रमणशील रहते हुए निगरानी करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम जनता के सभी लोगों से अपील करते हैं कि वो इस मौके पर शांति व्यवस्था कायम रखें, सहयोग करें, पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। हम आपकी सुरक्षा के लिए हैं और हम आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं।